हे गाइस, वी आर बैक विथ अनदर यूनिक रेसिपी। और राजस्थानी फ्लेवर हम वापस से लेकर आए हैं। ये बहुत ही पॉपुलर डिमांड पे हमें बनाना पड़ रहा है। तो जो रेसिपी आज हम बता रहे हैं वो है कैर, कुमट और सांगरी की सब्जी। ये स्पेसिफिकली राजस्थान में बनती है। और मैं आपको बता देती हूँ कि कैर कुमट होता क्या है। तो इसको हम बोलते हैं सांगरी, ये ड्राइड वर्जन है। ये है हमारी कैर और ये हमारा कुमट है। सो गाइज, इसके प्रिपरेशन के लिए हमने जो कैर, सांगरी और कुमट था उसको बॉयल पानी में 6 से 7 घंटे सोक करके रख दिया था। तो वो प्रिपेयर हो गया है, आप देखेंगे काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं अब ये। अगर इसे आप इमीडिएटली बनाना चाहते हैं तो इसे कुकर में बॉयल कर दीजिए, बट विद इन 2-3 विसल्स ये प्रिपेयर हो जाना चाहिए। और जो इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो है टर्मरिक पाउडर, हल्दी, कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, रेड चिली पाउडर, क्यूमिन सीड्स लगेंगे हमको, जीरा पाउडर, हमें फनल सीड्स लगेंगे यानी सौंफ, अमचूर पाउडर लगेगा हमको, और रॉ ड्राई मैंगो पाउडर जो है वो, जो रेड ड्राई चिलीज थी उसको हमने सोक करके रख दी थी। ये क्योंकि काफ़ी रॉयल डिश है तो इसमें जो है ड्राई फ्रूट्स लगते हैं, तो नट्स में जो हमें लगेगा कैशू है, आलमंड लिए हैं हमने और थोड़ी सी रेजिन्स ले ली और इन तीनों को सोक करके रख दिया था। सॉल्ट लगेगा हमको और हींग लगेगा। तो चलिए अपने प्रिपरेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, हमने एक पैन ले लिया है और उसमें हम डाल रहे हैं कुकिंग ऑयल, अराउंड 2-2.5 टेबल स्पून हमने ऑयल ले लिया है। सो गाइज, ऑयल थोड़ा सा गर्म आ जाए तो फिर उसमें हम जीरा ऐड कर देंगे, क्यूमिन सीड्स, 1/2 टीस्पून हमने क्यूमिन सीड्स ऐड कर दिए। अब हम हींग पाउडर ऐड कर रहे हैं, तो 1/4 टीस्पून हमने हींग पाउडर ऐड कर दिए। अब जो है 1/2 टीस्पून से थोड़ी कम हमने फनल सीड्स ऐड कर दिए। ड्राई चिलीज जो हमने सोक करके रखी थी वो ऐड कर देंगे, रेड, टर्मरिक पाउडर ऐड कर दिया है हमने, अराउंड 1/3 टीस्पून हमने टर्मरिक पाउडर ऐड किया। अब इसमें हम कैर सांगरी और कुमट ऐड कर देंगे जो हमने सोक करके रखे थे। इसको सोक करने के बाद जो भी था उसको हमने 3 से 4 बार क्लीन पानी में वॉश कर दिया है ताकि वो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। अब जो है हमारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसमें अब हम सॉल्ट ऐड कर देंगे, रेड चिली पाउडर ऐड कर रहे हैं, अराउंड 1 टीस्पून हमने रेड चिली पाउडर ऐड किए हैं। टीस्पून हमने इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दिया, इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। सो अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि वो पानी सोख करके मसाले जो है वो ब्लेंड हो जाए और काफ़ी अच्छे से कुक हो जाए। और इसे फिर स्टीम करने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देंगे। सो गाइस, इसे लिड दे करके हमने 20-25 मिनट के लिए कुक होने रख दिया था और कुक हो गया है। अब जो है हम इसमें अमचूर पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून हमने इसमें अमचूर पाउडर डाल दिया और इसे एकदम अच्छे से मिक्स करके इसे हम 2 से 3 मिनट कुक होने के लिए रखेंगे। बट जस्ट हम लास्ट स्टेज पे है तो इसमें अब हम अपने नट्स भी ऐड कर देंगे। तो कैशू, आलमंड और रेजिन जो हमने सोक करके रखी थी वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। 5 मिनट के लिए इसे वापस से लिड दे देंगे और कुक होने देंगे और फिर हमें इसे सर्व करने के लिए एकदम रेडी है। तो चलिए सर्विंग पे मिलते हैं। हे गाइस, हमारी कैर सांगरी की सब्ज़ी एकदम रेडी हो गई है। तो आप भी बनाइए, खाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू दीजिए ताकि हम आपके लिए और नई रेसिपीज़ ला सकें। एंजॉय।